नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। कौन देंदु तू सारे हार धवला या सुभ्रे वस्त्रावृता या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृति भी देवै सदा वंदिता। CFM का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, हिंदी का प्रचार हो, देश का उपकार हो, कोई हिंदी से ना दूर हो, इंग्लिश के नशे में चूर हो, अपनी मातृभाषा हिंदी हर घर में व्यवहार हो, हिंदी हिंदी सिरमौर तो हिंदी का गुणगान हो। CFM का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, हिंदी का प्रचार हो, देश का उपकार हो। CFM का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, CFM का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, हिंदी का प्रचार हो, देश का उद्धार हो, हिंदी का प्रचार हो, देश का उद्धार हो। CFM का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत। नमस्कार, मैं रीमा मिश्रा नव्या, सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करते हुए CFM राष्ट्रीय लेखिका संघ द्वारा आयोजित कलम के सिपाही प्रेमचंद जी की जयंती पर आयोजित आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों एवं हमारी सम्मानित सभी विदुषी लेखिकाओं एवं कवित्रियों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मशहूर गायक मोहम्मद रफी जी ने एक गीत गाया था कि मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है, मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह गए रफी जी। 31 जुलाई 1880 को जन्मे प्रेमचंद जैसे महान लेखक 8 अक्टूबर 1936 को इस दुनिया से अलविदा हो गए थे, पर इतने सालों बाद भी हिंदी और उर्दू साहित्य में प्रेमचंद की गौरवशाली उपस्थिति बनी हुई है। तो आइए हम आज इस महान कथा सम्राट को याद करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया हो, वो क्या लिखेंगे। जी बिल्कुल सही कह गए प्रेमचंद जी। तो आज के इस कार्यक्रम में हम सब कुछ ऐसी लेखिकाओं एवं कवित्रियों को सुनेंगे जिन्होंने अपनी कलम से दुनिया को एक नया आयाम देने का प्रयास किया है और आज प्रेमचंद जी की जयंती पर अपने विचारों को रखने के लिए हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हुई हैं। इसके पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे CFM के संपादक एवं CFM राष्ट्रीय लेखिका संघ के संस्थापक आदरणीय श्री जहांगीर आलम सर को। सर, आपके लिए दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। मीठी मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, मीठी मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, बस समझ लीजिए
यही है हमारे जहांगीर सर की पहचान। सर कृपया आप मंच पर आएं और अपने शुभकामना संदेश प्रस्तुत करें। सबसे पहले आप सभी नारी शक्ति को मेरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं जहांगीर आलम आप सभी कलमवीरों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज वाकई में सीएफएम के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है और इसके उपलक्ष्य में आज आयोजित कार्यक्रम में आप जैसी प्रसिद्ध लेखिकाएं उपस्थित हुई हैं और मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। अब मैं आप लोगों को काफ़ी कम शब्दों में सीएफएम से रूबरू कराना चाहूँगा, क्योंकि सीएफएम का रिश्ता समाचारों से रहा है, किंतु हिंदी और साहित्य की दुर्दशा देख मन काफ़ी व्याकुल हुआ था, जिसके बाद एकदम उठते गए और कारवां बनता गया। आज इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों का कार्यक्रम काफ़ी आकर्षक और शानदार रहे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए रीमा मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम को सुचारू रखें। इसके साथ ही आप सभी कलमवीरों को मैं दोबारा नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं आप सभी का कार्यक्रम बेहतर हो। इसके साथ ही मैं आप लोगों से हमेशा सहयोग की आशा करता रहूंगा कि सीएफएम ने जो कदम उठाया है उस कदम का साथ आप लोगों का मिलता रहे। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद जहांगीर सर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आगे के कार्यक्रम की ओर, जहां हम सब सीएफएम राष्ट्रीय लेखिका संघ की लेखिकाओं एवं कवित्रियों को सुनेंगे। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे सीएफएम मंच का इससे बड़ा सम्मान शायद और कुछ नहीं हो सकता है कि आज जब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति फैली हुई है, तो ऐसे में ऑनलाइन साहित्यिक सम्मेलन के माध्यम से प्रेमचंद जी की जयंती पर देश के कई प्रांतों से कई लेखिकाएं एवं कवित्रियां हमारे मंच पर अपनी प्रस्तुति देने को प्रस्तुत हुई हैं। और ये ऐसी लेखिकाएं हैं जिनका एक एक अक्षर यदि आपके कानों तक पहुंच जाए तो समझिए आपका जीवन तृप्त हो जाए। तो आइए सुनते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी पूजा कुमारी बाल्मीकि जी का कि वे आए और बारी बारी से हमारी लेखिकाओं एवं कवित्रियों को मंच पर आमंत्रित करें। पूजा कुमारी बाल्मीकि जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं पूजा कुमारी बाल्मीकि सीएफएम की तरफ से आप सभी की शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती समय मंच को दिया। आभार आप सभी का। आज हिंदी साहित्य के युग पुरुष तथा कथा सम्राट प्रेमचंद जी की जयंती पर मेरा उन्हें सादर नमन। प्रेमचंद को हम सिर्फ इसलिए मात्र याद नहीं करते कि उन्होंने जीवन साहित्य जगत को सौंप दिया, अपितु उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई और वह क्रांति साहित्य को समाज से जोड़कर देखने की थी, उन्हें परखने की थी, उन्हें समझने की थी। उन्होंने साहित्य का अनुकरण नहीं किया बल्कि साहित्य को नई दिशा दी। उन्होंने दलित, स्त्री शिक्षा, वैश्य जीवन जैसे बिंदुओं पर बात की जो इसके पहले लगभग ना के बराबर हुई थी। यही कारण है कि आज भी उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित हैं बरखा जी।
नमस्कार, मैं बरखा कुमारी कहाल CFM राष्ट्रीय लेखिका संघ द्वारा आयोजित प्रेमचंद जयंती के अवसर पर महिला सम्मेलन में अपने वक्तव्य रख रही हूँ। मेरी आज के लेख का शीर्षक है प्रेमचंद और उनकी रचनाओं में ग्रामीण पृष्ठभूमि। प्रेमचंद एक ऐसे कथाकार तथा चिंतक हैं जिन्होंने अपनी कालजयी रचनाओं के माध्यम से हिंदी कथा साहित्य की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिस पर पूरी सदी का साहित्य आगे बढ़ पाया। आज हमारा उद्देश्य प्रेमचंद के कथा संसार के ग्रामीण पृष्ठभूमि और किसान है। प्रेमचंद का लेखन ग्रामीण पृष्ठभूमि को लेकर आगे बढ़ता है और एक नई समस्या और उसके समाधान की तरफ अग्रसर होता है। इनके लेखन का केंद्र बिंदु गांव, गरीब, किसान, दलित और दबे कुचले लोग हैं जो व्यवस्था के कुचक्र से त्राही त्राही कर रहे थे। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि प्रेमचंद जी ने समस्याओं को निकट से देखा और उसके हर एक पहलू पर विचार किया है। जीवन और कालखंड की सच्चाई को पन्ने पर उकेरा है। उनका सामाजिक सरोकार उनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। बुनियादी परिवर्तन को आधार बनाकर ये लगातार लिखते रहे ताकि समाज में एक आमूलचूल परिवर्तन हो सके। प्रेमचंद की तरह व्यापक फलक पर सोचने वाला लेखक प्रेमचंद के पहले और बाद कोई दूसरा न हो सका। प्रेमचंद ने किसान और ग्रामीण संस्कृति को लेकर जो भी लिखा वो उनके उत्पीड़न, शोषण और विरोध पर आधारित है, परंतु प्रेमचंद के पास किसान की संस्कृति का अर्थ केवल मेहनत की दुनिया नहीं है। उनके लिए किसान का अर्थ केवल शोषित ही नहीं है बल्कि किसान अपनी संपूर्ण संस्कृति के साथ प्रेमचंद के कथा साहित्य में मौजूद भी है। कोल्डफील्ड मिरर के समूह को मेरा प्रणाम, इसमें सम्मिलित सभी रचनाकारों को भी मेरा प्रणाम। मैं रुचि गौतम पंत फरीदाबाद से आज उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी की 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपनी स्वरचित कविता लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। चुनौतियों में जन्मा, पला बढ़ा और छोड़ कर चला गया। थी कर्म भूमि कागज, थी रंग भूमि चित्रण, किसी का था ना कभी मोहताज, ऐसा था हमारा उपन्यास सम्राट। साहित्य को था अर्पित जीवन उनका अलौकिक, निर्मला सा रंग भरकर शब्दों से किया गोदान, कहानियां थी बढ़कर निपुण था उनका बाल साहित्य, आर्थिक तंगियों से भी ना कभी झुका प्रेम का ललाट, ऐसा था हमारा उपन्यास सम्राट। अंग्रेजों का क्रूर शासन था सबसे बड़ी चुनौती और खुद की कलम से लाए थे आधुनिकता में मजबूती, विषमताएं सारी झेली कर बैठा खुद को अर्पण, शालीनता से हर ली उन्होंने चुनौतियां अपार, ऐसा था हमारा उपन्यास सम्राट। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम CFM की तरफ से यहाँ प्रेमचंद जी, जो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार हैं, उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रेमचंद जी के ही बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में ही बात की जाएगी। तो प्रेमचंद जी की कुछ चंद पंक्तियाँ हैं जो कि हमारे और आपके जीवन से संबंधित हैं, या ये कहिए कि सामान्य जीवन जीने वाले जो हम लोग हैं उनकी जीवन से संबंधित हैं। कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद जी की प्रस्तुत करना चाहूँगी, फिर पे अगर कोई गलती हो तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। कुछ इस तरह लिखते हैं कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे जानते हैं
मेरे लिए यही काफ़ी है। और कुछ ज़िंदगी के अनुभव इस तरह बांटते हैं कि ज़िंदगी का फलसफा भी इतना अजीब है, ज़िंदगी का फलसफा भी इतना अजीब है कि शामें कटती नहीं और ज़िंदगी गुज़र हो रही है, शामें कटती नहीं और ज़िंदगी गुज़र हो रही है। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो अपने पीछे छूट जाते हैं और अगर हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। ये वाकई सच बात है, हमारे और आपके जीवन से ही संबंधित और हमारे आपके जीवन के पहलुओं को छूती हुई। आगे कुछ पंक्तियां और उन्होंने लिखी हैं, बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, मेरी मिट्टी मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं समंदर से सीखा हूँ, मैं समंदर से सीखा हूँ चुपचाप रहना। कितनी अच्छी बात कही है कि मैं समंदर से सीखा हूँ चुपचाप रहना और अपनी मौज में ही बहते रहना। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, ये पंक्तियाँ तो मुझ पे भी जाहिर होती हैं कि जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि मुद्दत से ना तो मैंने मोहब्बत बदली ना मेरे दोस्त बदले। नमस्कार, मैं रश्मि और प्रेमचंद की जयंती के उपलक्ष्य में CFM के आयोजकों को तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया। सर्वप्रथम आप सभी को प्रेमचंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अजायब राव और मां का नाम आनंदी था। 7 वर्ष की उम्र में ही उनकी मां का देहांत हो गया। फिर उनके पिताजी का तबादला लखनऊ हो गया, जहाँ पे उन्होंने दूसरी शादी कर ली और प्रेमचंद जो है माँ के ममत्व से दूर ही रहे, क्योंकि सौतेली माँ से जिस तरह की प्यार की उन्होंने कल्पना की थी वो प्यार नहीं मिल सका। फिर सौतेले नाना के दबाव में उनकी शादी करवा दी गई, जो कि बेमेल विवाह था। प्रेमचंद आर्य समाज के समर्थक थे, तो इसलिए उन्होंने विधवा विवाह का निश्चय किया कि वो अब अगर शादी करेंगे दूसरी तो वो विधवा विवाह ही करेंगे। इसलिए उन्होंने शिवरानी देवी से किया, जो कि एक बाल विधवा थी। उसके बाद उनके 3 बच्चे भी हुए। और सबसे उदाहरण स्वरूप है कि आज की पीढ़ी को अगर प्रेमचंद के द्वारा अगर एक सीख लेने की होगी तो सबसे बड़ी सीख ये होती है कि जिस तरह से आर्थिक परेशानियों को झेलते हुए उन्होंने अपने शैक्षणिक कार्यों को पूरा किया, वो आज की पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि कैसे उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। किताब दुकान में वो जाके किताब अपनी बेचने के लिए गए, वहाँ पे एक अध्यापक मिले और उन्होंने उन्हें अपने स्कूल में जो है नियुक्त किया। 20 रुपये के पगार से उनकी नौकरी शुरू हुई और उसके बाद वो शिक्षा विभाग के सब इंस्पेक्टर पद पे भी कार्यरत रहे। तो ये अपने आप में एक सीख लेने की चीज़ है। और 20वीं के पूर्वाध में जब हिंदी साहित्य में 20वीं के सदी के पहले राजा महाराजाओं इन सब कहानियों पर ही ध्यान लोगों का केंद्रित था, और 20वीं के पूर्वाध में जब प्रेमचंद ने तत्कालीन समस्याओं का जिक्र कर अपनी लेखनी को स्वरूप दिया, चाहे जिसे आप अब उनके उपन्यास में देख सकते हैं, कहानी में देख सकते हैं, कथा संग्रह में देख सकते हैं, तो ये अपने आप में अनोखा था कि उनके रचनाओं में तत्कालीन इतिहास का जिक्र होता था। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा सीम नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से। आज के इस विशेष अवसर पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया है मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर, इसके लिए सर्वप्रथम मैं CFM मंच के चेयरपर्सन जहांगीर आलम जी, जो कि मुख्य अतिथि भी हैं, उनका और मंच संचालिका रीमा मिश्रा और पूजा कुमारी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और साथ में जो समस्त प्रतिभागी हैं उनको अभिवादन प्रस्तुत करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मुंशी प्रेमचंद, कलम का सिपाही।
कलम सिपाही प्रेमचंद ने मानव चरित्र का ख्याल लिखा। कलम सिपाही प्रेमचंद ने मानव चरित्र का ख्याल लिखा धनपत राय श्रीवास्तव से। धनपत राय श्रीवास्तव से प्रेमचंद हो जीवन का संपूर्ण व्यवधान लिखा। जीवन का संपूर्ण व्यवधान लिखा कलम सिपाही प्रेमचंद ने जीव मानव चरित्र का आख्यान लिखा। समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिखा। मानसरोवर के आठ भागों में देकर कहानियों के 301 मोती अपने युग का महत्रान लिखा। कलम सिपाही प्रेमचंद ने मानव चरित्र का आख्यान लिखा। कर्म भूमि की राह में रंग भूमि का आयाम लिखा। कर्म भूमि की राह में रंग भूमि का आयाम लिखा नारी की दुर्दशा सहेज कर मंगलसूत्र का प्राण लिखा। विधवा विवाह की कर अगवाही कायाकल्प का आगाज लिखा। विधवा विवाह की कर अगवाही कायाकल्प का आगाज लिखा कलम सिपाही प्रेमचंद ने मानव चरित्र का आख्यान लिखा। देकर नवजीवन नवल सोच साहित्य को वह कथा सम्राट नौ कहानी संग्रह नौ उपन्यास का कर योग गया। प्रथम अनमोल रतन व साहित्य का कर गोदान कफन में लिख जीवन सारांश का अंत गया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं ललिता पांडे आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का एक छोटा सा रूप प्रस्तुत कर रही हूँ, कविता के रूप में। हर कहानी नहीं होती ईदगाह से सुहानी एक प्यारा सा लड़का एक प्यारी सीता दी। फिकर है दोनों को एक दूसरे की छोटा सा हामी बूढ़ी सी अमीना। प्रेम है इतना एक दूसरे से कहे ना, ईद का है मेला 3 पैसे ही है ना, कहती है अमीना चलता है हामी। ढेरों खिलौनों को त्याग लेता समझदारी का साथ, बिस्ती सिपाही वकील को रख दरकिनार, चिमटे से हो गया हामिद को प्यार। लिया उसने बंदूक का काम, रख कांधे पर चुना मुकाम। दादी की फिकर छोटा सा हामिद बिन खाए पिए रहे ना, होती है नाराज हामिद का मासूम ऐसा जवाब। लिया है चिमटा जले न तेरे हाथ। रोता है हामिद रोती है अमीना। करती है दुआएं झोली फैलाए, प्यार की बारिश बिन देखे कुदरत भी रहे ना। छोटा सा हामिद बूढ़ी सी अमीना, ईदगाह सी कहानी फिर कभी मिलेना। नमस्कार। मैं गरिमा राकेश गौतम कोटा राजस्थान से CFM राष्ट्रीय लेखिका संघ द्वारा प्रेमचंद जयंती पर आयोजित महिला साहित्यिक सम्मेलन में अपने विचार रखने जा रही हूँ। या गया इन्हीं महान विभूतियों की कुछ कहानियों को मैं अपनी पंक्तियों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। आनंदी की कोख से जन्मे अजायब राय किसान थे। आनंदी की कोख से जन्मे अजायब राय किसान थे। 1880 में अवतरित साहित्य शिरोमणि प्रेमचंद थे। 1880 में जन्मे साहित्य शिरोमणि प्रेमचंद थे। 300 कहानियों के रचनाकार, नाटक कहानी उपन्यासकार थे।
300 कहानियों के रचनाकार, नाटक कहानी उपन्यासकार थे। सोजे वतन प्रथम कृति इनकी, सोजे वतन प्रथम कृति इनकी, जो सरकार ने जब्त की थी, जो सरकार ने जब्त की थी। नमक का दरोगा में हमको ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, नमक का दरोगा में हमको ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। ईमानदारी है सर्वश्रेष्ठ यही हमको सिखा जाते हैं, ईमानदारी है सर्वश्रेष्ठ यही हमको सिखा जाते हैं। ईदगाह में ईद के संग, ईदगाह में ईद के संग हामिद का भोलापन दिखाते हैं, ईदगाह में ईद के संग हामिद का भोलापन दिखाते हैं। न्याय की पराकाष्ठा में पंच परमेश्वर पढ़ा जाते हैं, न्याय की पराकाष्ठा में पंच परमेश्वर पढ़ा जाते हैं। दो बैलों के प्रेम को हीरा मोती में दर्शाते हैं, दो बैलों के प्रेम को हीरा मोती में दर्शाते हैं। छुआछूत का सच्चा चित्रण ठाकुर का कुआं में कर जाते हैं, छुआछूत का सच्चा चित्रण ठाकुर। मुंशी प्रेमचंद को मेरा सशक्त नमन। मुंशी प्रेमचंद साहित्य जगत का एक जाना माना नाम, जिनकी कहानियों के पात्र हमारे आसपास घूमते हुए नजर आते हैं। इनकी कहानियों के पात्र वास्तविक प्रतीत होते हैं। ईद के आते ही मानस पटल पर ईद का कहानी उभर कर आती है। एक छोटा सा बच्चा मेले में भी उसे अपनी दादी का ख्याल रहता है और वो उनके लिए एक चिमटा खरीद लाता है। यह एक संवेदनात्मक कहानी है। ऐसी अनेक कहानियाँ उन्होंने लिखी, दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, पंच परमेश्वर, इन सब कहानियों को हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा। उन्होंने अनेक कहानियाँ और उपन्यास लिखे, जिसमें से निर्मला, गबन, गोदान को मैंने पढ़ा है। प्रेमचंद जी का गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान के पात्र ग्रामीण परिवेश से आते हैं। होरी, धनिया जैसे पात्रों को प्रेमचंद की कल्पना ने रचा, लेकिन ये पात्र जनमानस को बहुत भाए और लोकप्रिय हो गए। गबन की नायिका जलापा का गहनों के प्रति मोह और पति का झूठी अमेरिका दिखावा उसे गबन करने पर मजबूर करता है। इस उपन्यास में महिलाओं का पति के जीवन पर प्रभाव दर्शाया गया है। जीवन में टूटते मूल्यों को इसमें बखूबी दिखाया गया है। लेकिन जहां संजीदा कहानियां और उपन्यास लिखे, वहीं उन्होंने हास्य कथा भी लिखी है। कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो, यह उनकी हास्य कथा है। मुंशी प्रेमचंद कल भी जनमानस पर छाए थे, आज भी लोग उनके साहित्य को पढ़ते हैं, उनकी कहानियों का आनंद लेते हैं और वो सबके दिलों में बसते हैं। धन्यवाद। मैं बबीता सिंह हाजीपुर वैशाली से CFM राष्ट्रीय लेखिका संघ द्वारा आयोजित प्रेमचंद जयंती पर महिला साहित्यिक सम्मेलन में माँ शारदे को नमन करते हुए कलम के सिपाही प्रेमचंद के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। देख उत्ताल तरंगों को कर्मरत कब घबराता है, देख उत्ताल तरंगों को कर्मरत कब घबराता है, शक्ति कुंभज सी धारण कर पयोनिधि को पी जाता है। जी हाँ, सादा एवं सरल व्यक्तित्व के धनी प्रेमचंद जीवन में कटुताओं और विषमताओं के बावजूद हिंदी साहित्य को पाला, पोसा, बड़ा किया और उसे एक संस्कार दिया। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जो पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद ने साहित्य को आम आदमी और जमीन से जोड़ा। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा।
प्रेमचंद का कहना था, साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य में उजागर भी हुई है। प्रेमचंद ने साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा। उन्होंने जीवन और कालखंड की सच्चाई को पन्ने पर उतारा। सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीबी, उपनिवेशवाद और आजीवन उन्होंने समाज से रूबरी होते हुए सच्चाई को लिखा। उन्होंने सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया और अपने प्रगतिशील विचारों को तर्क देते हुए दृढ़ता के साथ समाज के सामने प्रस्तुत किया। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया इनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित हुए। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी में काल्पनिक, पौराणिक और धार्मिक कथाएं लिखी जाती रही थी, परंतु उन्होंने कथाओं को यथार्थवाद का रूप दिया। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो प्रमुखता से उभरा, चाहे वह दलित साहित्य हो या फिर नारी साहित्य, उसकी जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे माबिद है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सबाब, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी, जिस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दिया था और इस तरह का लेखन भविष्य में न करने की चेतावनी भी दी थी, परंतु बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार प्रेमचंद हार कहां मानने वाले थे। कहते भी हैं, कठिन आत्ममंथन के हित जो असी धारों पर चलते हैं, कठिन आत्ममंथन के हित जो असी धारों पर चलते हैं, आत्म प्रकाश हित पिघल पिघल कर मोम दीप सा जलते हैं। नमस्कार, मैं भोपाल से रश्मि मिश्रा आप सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ। CFM समाचार पत्र के संपादक जहांगीर सर, CFM लेखिका संघ की संयोजक रीमा मिश्रा जी को इस शानदार आयोजन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म दिवस है, मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। मुंशी प्रेमचंद साहित्य जगत का एक ऐसा नाम है जिनकी रचनाएं समाज का दर्पण हैं। उन्होंने कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने एक पूरे सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद जी ने साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा। उनकी रचनाएं गरीबी और दैन्यता की कहानी कहती हैं। उनकी रचनाओं में ऐसे पात्र हुए जिसे भारतीय समाज अछूत और घृणित कहता है। प्रेमचंद जी ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। वो एक श्रेष्ठ कहानीकार भी हैं। 150 से अधिक उन्होंने कहानियां लिखी और कफन उनकी आखिरी दौर की कहानी है। हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं पर उनकी पकड़ मजबूत थी। अधिकांशतः उनकी रचनाएं प्रारंभ में उर्दू भाषा में ही लिखी गईं। उनकी पहला उपन्यास सेवा सदन, जो मूल रूप से हुस्ने बाजार के नाम से लिखा गया, किंतु बाद में इसका रूपांतरण हिंदी में करके उसे प्रकाशित किया गया। निर्मला, कर्मभूमि, गवन आदि से होता हुआ उनका यह सफर गोदान तक पूर्णता को प्राप्त हुआ।
गोदान उनकी कालजयी रचना है। गोदान के पात्र हरिया, होरी और धनिया आज भी लोगों के मनमानस में, जनमानस में अपना स्थान बनाए हुए हैं। निर्मला और सेवा सदन उपन्यास में उन्होंने नारी जाति की परवस्था, निस्सहाय अवस्था, आर्थिक और शैक्षिक परितंत्रता का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। उनका साहित्य इतना जीवंत और प्राणवान है कि उनके साहित्य के पात्र कहीं आसपास नजदीक खड़े दिखाई देते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में एक और जानकारी देना चाहूँगी कि वो प्रारंभ में अपने वास्तविक नाम धनपत राय के नाम से साहित्य सृजन किया करते थे, किंतु उन्होंने जब एक देश प्रेम से संबंधित रचना सोजे वतन लिखी तो अंग्रेज सरकार ने उसे देशद्रोही सृजन कहकर उसकी सभी प्रतियां जब्त कर लीं और कभी भी लिखने और कभी भी साहित्य ना लिखने की उन्हें हिदायत भी दी। तब उनके मित्र ने उन्हें सलाह दी कि वह नाम बदलकर साहित्य सृजन करें। तब मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना नाम बदलकर, मैं रंजना मिश्रा एक लेखिका एवं कवित्री कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं CFM राष्ट्रीय लेखिका संघ द्वारा प्रेमचंद जयंती पर आयोजित महिला साहित्यिक सम्मेलन में अपने वक्तव्य रख रही हूँ। मैं महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी पर एक कविता का पाठ कर रही हूँ। साहित्य गगन के सूरज तुम कलम के जादूगर थे, मानव पीड़ा परिचायक साथी सबके घर घर थे। जो जग में व्याप्त रही थी मानव के उर्मे पीड़ा, कागज पर लिख डाली थी जीवन की हर वो पीड़ा। सब दीन दुखी अबला की गाथाएं हैं लिख डाली, जीवन की जटिल समस्या जो थी लोगों ने पाली। वो सब कुछ है लिख डाला, साहित्य महासागर थे तुम प्रेम चंद मुंशी जी, हिंदी रस की गागर थे तुम प्रेम चंद मुंशी जी, हिंदी रस की गागर थे। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कही गई ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ कौन नहीं जानता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजू गुप्ता है। CFM राष्ट्रीय लेखिका संघ द्वारा प्रेमचंद जयंती पर आयोजित महिला साहित्यिक सम्मेलन में मैं अपने वक्तव्य रख रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से थे। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। आज मुंशी प्रेमचंद के बिना हिंदी की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेमचंद ने हिंदी से पहले उर्दू में लिखना शुरू किया था। उर्दू लेखन के शुरुआती दिनों में इन्होंने अपना साहित्यिक नाम नवाब राय रखा था। 1907 में इन्होंने 5 कहानियों के संग्रह सोजे वतन की रचना की, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुई। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम होता है, इसमें देश प्रेम और जनता के दर्द को बखूबी प्रस्तुत किया गया था। अंग्रेज शासकों को इस संग्रह से बगावत की झलक मालूम हुई, लिहाजा नवाब राय की खोज शुरू हुई। नवाब राय पकड़ लिए गए और सोजे वतन की सारी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गई और उन पर ये बंधन लगा दिया गया कि अब वे कुछ नहीं लिखेंगे और यदि लिखा तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। इस बंधन से बचने के लिए प्रेमचंद को जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने पहली बार प्रेमचंद नाम सुझाया और यहीं से धनपत राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए।
उपन्यास के उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद को उर्दू और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आधुनिक कहानी का जन्मदाता कहा जाता है। वे आज भी साहित्य जगत के ध्रुव तारे के समान हैं। इतना समय गुजर जाने के बाद भी उनकी ख्याति में कोई कमी नहीं आई है। प्रेमचंद ने बरसों बरस पहले जो लिखा था वह आज भी लोकप्रिय है। उन्होंने समाज के यथार्थ को छुआ और परखा, इसे अपने साहित्य में कुशलता से पिरोया, कथा कहानी और उपन्यास में यथार्थवाद को सरलता और सहजता से प्रस्तुत किया, जिसका मुकाबला शायद आज के साहित्यकारों के बस की बात नहीं। आज हमको फिर से एक नई प्रेमचंद की जरूरत है। आज फिर हमको आम आदमी का दर्द समझने वाले कलम के सिपाही की जरूरत है। आज फिर गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, कफन और मंत्र लिखे जाने की जरूरत है, क्योंकि आज भी वही अन्याय, वही अनाचार फल फूल रहा है जिसके खिलाफ कवि प्रेमचंद ने निर्भीकता से आवाज बुलंद की थी। आज प्रेमचंद का गुणगान करने के स्थान पर इस बात की जरूरत है कि उनका अनुकरण कर हम भी उन्हीं की तरह अन्याय के खिलाफ साहस के साथ आवाज उठाएं और धर्म, समाज और राजनीति के असंख्य भ्रष्ट ठेकेदारों को बेनकाब कर उनको उनके सही अंजाम पर पहुंचाएं, और यही हमारी इस कलम के सिपाही को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, CFM राष्ट्रीय लेखिका संघ द्वारा प्रेमचंद जयंती पर आयोजित महिला साहित्यिक सम्मेलन में मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। साहित्य प्रतिभा के धनी मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में सैकड़ों कहानियाँ लिखी। कुछ उपन्यास तो आम जीवन के हृदय में गहरे उतर गए। उनकी कहानियों में अचानक ही नए मोड़ पढ़ते पढ़ते मन आश्चर्यचकित कर देते। बड़े घर की बेटी, निर्मला इत्यादि इसके उदाहरण हैं। कहानी सम्राट प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में न्याय व्यवस्था को बड़ा सटीक रूप से प्रस्तुत किया। उनके उपन्यास कहानियां बहुत सरल शब्दों में सजी, बहुत ही व्यवहारिक होती थी। प्रेमचंद जी एक ऐसे साहित्यकार थे जिनकी कहानियों में झूठ दिखावों के लिए कोई स्थान नहीं था। मातृभूमि की सुगंध से ओतप्रोत उनका साहित्य एक अलग ही स्थान रखता है। प्रेमचंद जी ने उर्दू, हिंदी, फारसी इत्यादि कई भाषाओं में अपनी छाप छोड़ी। न केवल लेखन अपितु पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशन का जिम्मा लिया। हंस पत्रिका इस बात का सफल उदाहरण है। उनका लिखा साहित्य हिंदी संस्कृति की धरोहर है। प्रकृति एवं प्रयोगवादी होने के कारण उनकी रचनाओं में दहेज, अनमेल विवाह, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह जैसी समस्याओं पर कटाक्ष किया गया है। उनका चित्रण साफ झलकता है। अंत में अपनी वाणी को विश्राम देते हुए मैं यही कहूँगी, कलम के सिपाही प्रेमचंद जी के अपूर्व योगदान को साहित्य जगत कभी भूल नहीं पाएगा। वह सभी आम जन के, सभी नई पीढ़ी के मन में, उनके अंतर मन में आजीवन वास करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं संध्या कुमारी, पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले से प्रेमचंद जी की जयंती पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। प्रेमचंद जी जो कि हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनके बारे में मैं अपनी कुछ प्रस्तुति आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं से एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का दर्शन किया। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा है। उन्हें कथा सम्राट की उपाधि भी दी गई है और उन्होंने 300 से अधिक कहानियों को लिखा है। उन्होंने अपनी कहानियों से हमें यह बताया है कि कैसे उस समय जाति पाति, भेदभाव, धर्म को लेकर एक दूसरे से लोग लड़ते झगड़ते रहते थे। उन्होंने कई उपन्यासों को लिखा। उपन्यासकार की दृष्टि से ये एक सबल लेखक थे
और इन्होंने स्त्री विमर्श पर कई रचनाएं की। सेवा सदन और उर्मिला जैसे उपन्यासों में इन्होंने नारी के प्रति हो रहे अत्याचारों को दिखाया है। इन्होंने हिंदी को एक ऊंचाई प्रदान किया है, हिंदी भाषा को एक उत्कृष्ट कोटि पर पहुंचाया है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की है। इनके कुछ कथन मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि इनके आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। अन्याय का सहयोग देना अन्याय करने के समान है। क्रोध में मनुष्य अपनी मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरे का दिल दिखाता है। तो यह थी मेरी छोटी सी प्रस्तुति प्रेमचंद जी की जयंती पर आप सभी के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं खुशबू पांडे CFM की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 31 जुलाई यानी प्रेमचंद जयंती है। हम सभी हिंदी भाषी और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, इसी कारण हमारा कर्तव्य है कि आज का दिन हम सब प्रेमचंद जी को समर्पित करें। अतः हम सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए प्रेमचंद जी से संबंधित कुछ और बातें आपसे साझा कर लें। पहले तो प्रेमचंद जी की जीवन शैली को कुछ जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के लमही नामक ग्राम में श्रावण मास कृष्ण पक्ष 31 जुलाई 1880 को हुआ था। प्रेमचंद जी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उन बातों पर गंभीरता से विचार करने पर विवश कर देते हैं जिन्हें हम दैनिक जीवन में भुगत रहे होते हैं। प्रेमचंद जी की रचनाओं में गांवों और बस्तियों में रहने वाले लोगों की पीड़ा से भरी जिंदगी का सजीव चित्रण मिलता है। प्रेमचंद से पूर्व किसी भी साहित्यकार ने यह नहीं सोचा होगा कि हिंदी साहित्य में गांव के रहने वाले लोग जैसे खींचू, माधव, दुखी चमार, होरी तथा इन जैसे लोग हिंदी साहित्य का पात्र बनेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा, ऊंच नीच आदि उस दौर की सभी सामाजिक समस्याएं परिलक्षित होती है। साथ ही प्रेमचंद जी के साहित्य में सामाजिक जागरूकता भी दिखाई देती है। उनका साहित्य आम आदमी से जुड़ा हुआ होता है। उन्होंने अपने साहित्य में एक और रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं कुरूतियों पर करारा प्रहार किया है तो दूसरी ओर मानवीय संवेदनाओं को उभारा है। उन्होंने अपने उपन्यास रंगभूमि और गोदान में अंतरजातीय समस्याओं को परिलक्षित किया है तो दूसरी ओर कर्मभूमि में हरिजनों की समस्याओं को अति सूक्ष्म रूप से अंकित किया है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी पुष्प की रात में हल्कू के माध्यम से यह बताया है कि आज का समाज आम आदमी को जानवर की भांति जिंदगी जीने के लिए विवश कर रहा है। अंततः हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। उनकी रचना आज भी कालजयी है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता को साहित्य के साथ जोड़ा है। सही अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य समुद्र के भांति विशाल एवं व्यापक है। धन्यवाद। सबसे पहले CMFM को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे आज का सुनहरा अवसर दिया, प्रेमचंद जयंती पर बोलने का मुझे मौका मिला है। इसलिए मैं कुछ कहना चाहूँगी सबसे पहले प्रेमचंद जी के बारे में। मैं दीप्ति प्रसाद, CMFM राष्ट्रीय लेखिका संघ द्वारा प्रेमचंद जयंती पर आयोजित महिला साहित्यिक सम्मेलन में अपनी रचना जो कि महिला सशक्तिकरण को समर्पित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हिंदी कथा साहित्य को तिलस्मी कहानियों के झुरमुट से निकालकर जीवन के यथार्थ की ओर मोड़कर ले जाने वाले कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। जन्मदिन की कहानियों के किरदार आम आदमी होते हैं। उनकी कहानियों में आम आदमी की समस्याएं और जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। प्रेमचंद जी के उपन्यासों में नारी के ढेरे रूप हम सबने देखे हैं, जिसे समाज को देखने, परखने और जांचने का मौका मिला है। प्रेमिका, विधवा, माता, परिणीता, मेहनत कश,
वैश्या और समाज सेविका आदि कई रूपों में उनकी नारी पर अमित छाप छोड़ जाती है। जहाँ वर्तमान और भूतकाल की विषम परिस्थिति के दर्शन उनके उपन्यासों में देखे जाते हैं, वही भविष्य को भी काफी आगे तक देखा गया है। अतः उनके साहित्य में नारी पात्र स्त्री विमर्श का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समाज का प्रतिनिधित्व करती है। अब मैं अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए और आपका सहयोग चाहती हूँ, ताकि आपके सहयोग के बिना मैं आगे बढ़ नहीं सकती, इसलिए आप मुझे सहयोग करें। आपको तो मैं कुछ बातें कहना चाह रही हूँ जो समाज के कुछ चीज़ें जिसको मैं उठाना चाहती हूँ, उन तथ्यों को उजागर करना चाहती हूँ और आपका सहयोग चाहती हूँ। प्रेमचंद जी की किताबें मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं। उनकी किताबें पढ़ते पढ़ते मैं इतनी तल्लीन हो जाती थी कि मैं उनके पात्रों में खो जाती थी कि मैं उन किरदार में से एक किरदार हूँ। तो मैं अपनी बातें आगे बढ़ाती हूँ उसी के साथ। मैं एक बेटी की माँ हूँ। मेरे पति मुझसे हमेशा कहा करते हैं कि मैं बेटी का कन्यादान नहीं करूँगा। मैं पूछती हूँ, इतना बड़ा निर्णय तुम कैसे कर सकते हो? मैं कहती हूँ, इतना आसान नहीं समाज की बंदिशों को तोड़ना। उनका कहना है, अगर तुम साथ दोगे तब समाज में फैली हर कुरीति को दूर कर सकते हो। उनके विचारों को ध्यान में रखकर मैंने कन्यादान पर कुछ पंक्तियाँ लिखी है जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कन्यादान नहीं करूँगा तुम्हारा, तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। कन्यादान नहीं करूँगा तुम्हारा, तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। तुम मेरी बेटी हो, कोई चीज़ नहीं हो जिसे मैं दान में दे दूँ। मैं तुम्हें शादी के पवित्र बंधन में बांधता हूँ, जिसे अपने पति के साथ मिलकर निभाना तुम अपने प्यार से। अपनी बगिया को महकाना तुम, मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह रहा। आज से तुम्हारे दो घर, अब जी चाहे आना तुम अपने नए। आज से तुम्हारे दो घर, जब जी चाहे आना तुम अपने नए बगिया में, सबको अपना बनाना तुम। पर कभी भी ना मरमर के जीना, ना जीजी के मरना तुम। नमस्कार, मेरा नाम राखी सरोज है। मैं आप सबको प्रेमचंद की जयंती की सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ। आज मैं राष्ट्रीय CFL राष्ट्रीय लेखिका संघ द्वारा प्रेमचंद जयंती पर आयोजित महिला साहित्य सम्मेलन में अपनी द्वारा प्रेमचंद की कहानी परपूजी पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। प्रेमचंद एक बहुत ही बड़े लेखक थे, जिन्होंने 300 के करीब कहानियां लिखी। एक आदर्शवादी यथार्थवादी लेखक थे, जिन्होंने हर तरीके की कहानियां लिखी। उन्होंने उत्तर राज्यों के में पाई जाने वाली प्रथाओं पर कई कहानियां लिखी, जिनमें से एक थी पयपूजी। पयपूजी जो हमारे यहाँ पे भारत में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों में एक प्रथा है, जो शादी के दौरान निभाई जाती है। उसका नाम है पयपूजी। उसी पर प्रेमचंद की ने कहानी लिखी थी, जिसकी शुरुआत मैं आपको बताती हूँ। प्रेमचंद की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। प्रेमचंद बोलते हैं कि प्रतिज्ञा किसी भी तरीके की हो या सिद्धांत कोई भी बना लो आप, उसको किसी मित्र या रिश्तेदार के सामने आप पूर्ण नहीं कर सकते हो। आप वैसे तो किसी से भी लड़ सकते हो, किसी से का भी विरोध कर सकते हो, लेकिन अपने मित्र और अपने रिश्तेदारों का विरोध करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यह कहते हुए वह अपनी एक पुरानी प्रतिज्ञा याद करते हैं, वह प्रतिज्ञा जो उन्होंने एक शादी के दौरान ली थी। उसी प्रतिज्ञा को बतलाते हुए वह आगे कहानी सुनाते हैं कि वह एक बार अपने समधी के साथ बारात में उनके बेटे की शादी में गए थे। तो वहां पहुंचते ही देखते हैं कि किस तरीके से सभी बरातियों का व्यवहार वहां पहुंच के चेंज हो जाता है, बदल जाता है, कि वो लोग वहां पर अलग तरीके का ही व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कि वह मतलब कि कोई बहुत ही ज्यादा क्रूर व्यक्ति हो, जिनको मतलब कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर दबाव डालना है और अपना मतलब वर्चस्व जमाना है, इस तरीके का व्यवहार होता है। प्रत्येक
प्रत्येक बात पे हर बराती लड़की वालों के साथ लड़ने के लिए तैयार रहता है। उनकी हर चीज में बुराई निकाली जा रही थी, या तो वर्क की बात हो या फिर सिगरेट की बात हो, हर बात को बड़ा और चढ़ा के प्रस्तुत किया जा रहा था, जो प्रेमचंद जी को नहीं पसंद आ रही थी। कई बार प्रेमचंद जी ने इसका विरोध भी करा, किंतु वह अंत में जब क्या कहते हैं शराब की मांग की जाती है, जब लड़की वालों के द्वारा लड़के को शादी के मंडप में बुलाया जाता है, तो प्रेमचंद जी को यह पसंद नहीं आता है। तो प्रेमचंद वहां से निकल जाते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह आज के बाद किसी की भी शादी में नहीं जाएंगे। वही प्रतिज्ञा वह अपने मित्र को बताते हैं कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ली है कि मैं आज के बाद कहीं भी किसी की शादी में बारात में नहीं जाऊंगा। तो लेकिन उनके मित्र उन्हें बहुत मनाते हैं, उनको समझाते हैं कि नहीं तुम चलो, ऐसी कोई चीज नहीं होगी, आप जो बोलेंगे वही होगा, मैं आपको अपना प्रतिनिधि बनाता हूँ, आपकी ही बात मानी जाएगी, यह सब कह के प्रेमचंद के मित्र उन्हें मना लेते हैं। इसके बाद प्रेमचंद उनकी बात मान जाते हैं, कि तो उनसे अंतिम सवाल करते हैं कि क्या आप दहेज तो नहीं मांग रहे हैं। प्रेमचंद के मित्र बोलते हैं नहीं, मैं दहेज नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन अगर उनकी देने की कोई इच्छा होगी तो वह अपनी खुशी से दे सकते हैं। इसके बाद प्रेमचंद और प्रेमचंद के मित्र और बाकी बरातियों के साथ बारात में जाते हैं। कुछ ही समय बाद वह बारात में के साथ लड़की वालों के यहाँ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि इतनी सुविधाएं लड़की वालों ने कर रखी होती है बरातियों के लिए कि उनको कोई कमी ही नहीं होती है। प्रेमचंद यह देख बहुत खुश होते हैं, वह मन ही मन उनकी तारीफ करने लगते हैं। ये सब देखकर सभी बराती भी बहुत खुश होते हैं, सभी सारी सुविधाओं का आनंद ले रहे होते हैं। इसके बाद जब मंडप में शादी के का समय आता है तो प्रेमचंद वहां जाते हैं, तो वहां जाकर देखते हैं कि क्या कहते हैं दूल्हे के पांव लड़की के पिता धो रहे हैं। प्रेमचंद को ये देखकर बहुत ही आघात लगता है, वह यह सोचते हैं कि जब हमारे यहाँ पे बड़ों का सम्मान किया जाता है, बड़ों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो एक बड़ा उम्र का व्यक्ति एक छोटे उम्र के व्यक्ति के पैर क्यों धो रहा है या क्यों छू रहा है। ये प्रेमचंद इस चीज का विरोध भी करते हैं, पर सभी लोग प्रेमचंद का विरोध करते हुए कहते हैं कि यह तो पुण्य की बात है। लड़की के पिता बहुत खुश के साथ प्रेमचंद जी को कहते हैं नहीं, ये तो मेरे लिए पुण्य की बात है कि मुझे यह मौका मिला पैर धोने का, और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो ये मौका चाहते हैं किंतु उन्हें नहीं मिलता है क्योंकि उनकी लड़कियां ही नहीं है। हम इससे ही तो हम स्वर्ग में जाएंगे दूल्हे के पैर धोकर। प्रेमचंद जी को बहुत ही सुन के आघात लगता है। प्रेमचंद जी देखते हैं कि एक लंबी लाइन लगी हुई है, 100 से ज्यादा लोग खड़े हैं एक लड़के के पैर धोने के लिए, क्योंकि वह दूल्हा है। प्रेमचंद जी ये सोच बहुत दुखी होते हैं कि क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रथाएं बिना सोच के और बिना समझ के मानी जाती हैं। वही प्रथा नॉर्मली एक पाप होती है, और जब किसी लड़की वाले के पिता के द्वारा लड़के के लिए करवाई जाती है तो वह एक पुण्य का काम हो जाती है। प्रेमचंद वहां खड़े रहते हैं सबके पैर होने तक, यह सब देखते रहते हैं। अंत में वह थाली में से कुछ फूल उठा के लड़की के पैर पे रख के वहां से चले आते हैं। यह सोचकर कि इस तरीके की प्रथाएं हमारे यहाँ पे एक आघात है हमारी मानसिक सोच पे, कि हम किस तरीके की सोच रखते हैं अपने बारे में या अपनी प्रथाओं के बारे में, जिनका दायरा किसी को ताकतवर दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखा के ही होता है। यह प्रथाएं ऐसा नहीं है कि आज हमारे समाज में नहीं है, आज भी यह मानी जाती हैं। प्रेमचंद की कहानी के लिखने के बावजूद भी कई लोगों को इन चीजों की समझ नहीं है, क्योंकि हम लोग इन पे विचार नहीं करते हैं। 21वीं सदी में हम आ चुके हैं, फिर भी यह प्रथाएं चल रही हैं बिना रोक और टोक के। विवाह हो या संस्कार हो, यह नहीं सिखाते कि किसी का अपमान करके या किसी से पैर धुलवा के ही आपको
पुण्य मिलेगा या उनको पुण्य मिलेगा। हमें ऐसी प्रथाओं का विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गीतापति CFM लेखिका संघ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं व आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हैं। देश का उद्धार विलासियों द्वारा नहीं हो सकता, उसके लिए सच्चा त्यागी होना पड़ेगा, ऐसा प्रेमचंद जी ने अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है। हिंदी युग के उपन्यासकार साहित्यकार प्रेमचंद जी का नाम सुनते ही आंखों के आगे वो 7 साल का बालक हामिद, ईदगाह का वो नन्ना सा बालक सामने आ जाता है। मेले में जाते हुए उसकी दादी माँ उसे 3 पैसे देती है, लेकिन वो नन्ना सा बालक अपने लिए न तो मिठाई लेता है, न ही अपने लिए खिलौने लेता है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेता है। बहुत ही सुंदर सुसज्जित ढंग से प्रेमचंद जी ने इन सब पात्रों का उल्लेख किया है। यह कहानी हमें कभी भूले नहीं भूलती है। ऐसी कौन सी कक्षा है, ऐसी कौन सी विषय है, ऐसी कौन सी किताब है जहाँ प्रेमचंद जी की कहानियों की चर्चा, उपन्यास, कथाओं का उल्लेख न किया गया हो। हम लोग बचपन से प्रेमचंद की कहानी सुनते हुए पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। ऐसे ही साहित्य जगत में जब भी बात या चर्चा उठती है तो सिर्फ और सिर्फ जुबान पर एक ही नाम आता है, सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का। उन्होंने अपनी लेखनी सफ़र में कई ऐसी कथाएं, कहानियां, उपन्यास, बहुत सारे सुविचार हम लोगों को दिए हैं। वो हमारे लिए कई सुविचार छोड़ गए हैं। उन्होंने उनकी एक प्रमुख कहानी है ठाकुर का कुआं, वो मेरे हृदय के बहुत ही करीब है। उन्होंने कहानियाँ में इस तरीके के पात्रों का उल्लेख किया है, मार्मिक चित्रण दिखाया है कि दिल हृदय को छू जाने वाली कहानी है। ठाकुर का कुआं एक ऐसी कहानी है जिसमें ज्ञान की कमी है और जातिवाद का बोलबाला है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही सुंदर सुडौल तरीके से इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत की है। गंगी जो जोखू उसका पति है वो बीमार की हालत में है, गांव में गंदा पानी है, ठाकुर का कुआं है लेकिन उससे कोई भी पानी नहीं भर सकता है। क्यों? क्योंकि जातिवाद सामने आता है। लेकिन गंगी फैसला करती है कि उसके पति को सिर्फ और सिर्फ वो साफ पानी देगी जिससे उसका जीवन बच सके। लेकिन क्या होता है, वो जैसे ही कुएं में पानी लेने जाती है तो ठाकुर सामने से आता है। वो दबे पांव वापस अपने घर जाती है तो वहाँ देखती है कि उसका पति जोखू गंदा पानी पी रहा था। यदि ठाकुर के कुएं से पानी मिल जाता तो जोखू बच सकता था। यदि ज्ञान की कमी ना होती, यदि गंगी उस पानी को उबाल लेती तो जोखू बच सकता था। बहुत ही सुंदर ढंग से प्रेमचंद जी ने गंगी और जोखू के चरित्र को दर्शाया है। लेकिन यहाँ जातिवाद का बोलबाला और ज्ञान की कमी है। प्रेमचंद की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो गांव, धरती, मिट्टी, स्त्रियों का संघर्ष पूर्णमय जीवन को दर्शित करता है। प्रेमचंद की कहानियाँ हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। धन्यवाद गीतापति। नमस्कार दोस्तों, मैं करमजीत कौर कोलफील्ड के इस मंच पर मैं आज मुंशी प्रेमचंद जी के अवतरण दिवस पर चंद शब्द बोलने जा रही हूँ। 21 जुलाई 80 को, 21 जुलाई 80 को लम्हे में वो जन्मे थे,
थे वो महान कथा सम्राट, मुंशी उनको कहते थे। थे पत्रकार वे अध्यापक, लेखक वे बड़े महान हुए, उपन्यासी और कहानियां लिखने में वे सरताज हुए। उनके लेखन की पृष्ठभूमि में गांव हमेशा रहता था, गांव वासियों का किसान का दर्द हमेशा दिखता था। उनके लेखन की पृष्ठभूमि में गांव हमेशा रहता था, गांव वासियों का किसान का दर्द हमेशा दिखता था। सेवा सदन गोदान गबन प्रेम आश्रम निर्मला रंग भूमि, कर्म भूमि और मान सरोवर रचना के वे लेखक थे। 15 से ज्यादा उपन्यास कथा 300 लिख डाली, 300 अपने तेज सविलेखन से अंग्रेजी जड़ें हिला डाली। साहित्य के आंदोलन के वो सबसे महान नायक थे, गांव किसानों के दुखियों के वो सच्चे ही गायक थे। साहित्य के आंदोलन के वो सबसे महान नायक थे, गांव किसानों के दुखियों के वो सच्चे ही गायक थे। 8 अक्टूबर 36 को कलम वीर वे चला गया, भारत के गांवों का बेटा गांव छोड़कर चला गया। अपनी रचनाओं के कारण जुगों जुगों तक जिंदा रहेंगे, कोई समय ना आएगा ऐसा जब कभी हमको भूल सकेंगे। थैंक यू दोस्तों। मंच को प्रणाम करते हुए सभी को नमस्कार। मैं स्मृति कुमकुम पटना बिहार से CFM राष्ट्रीय लेखिका संघ द्वारा प्रेमचंद जयंती पर आयोजित महिला साहित्यिक सम्मेलन में आप सबके सम्मुख अपना वक्तव्य रख रही हूँ। जी हाँ, आज हम सभी आधुनिक काल के महानतम भारतीय लेखकों में से एक महान लेखक श्री प्रेमचंद जी की जयंती पर एकत्रित हुए हैं। प्रेमचंद हिंदी गद्य साहित्य के क्षितिज पर चमकता हुआ एक सितारा है, जो साहित्य जगत के तमाम उत्कृष्टता को समेटे देश ही नहीं वरन पूरे विश्व के कोने कोने में प्रकाशमान है। कलम का सिपाही, उपन्यास सम्राट, सिर्फ शब्दों के बादशाह ही नहीं अपितु मसीहा भी थे। पात्रों का भारतीय ग्रामीण जीवन से लेकर महलों में विराजमान का सचीव चित्रण करने की कला में माहिर प्रेमचंद जन जन प्रतिनिधि साहित्यकार के रूप में उभर कर समाज को युगांतकारी परिवर्तन की दिशा में लाकर खड़ा कर दिया, जो आज भी भारतीय जनजीवन रहन सहन और परिवेश को जीवंत करती है। इनकी क्रांतिकारी एवं आदर्शवादी विचारधारा से ओतप्रोत पात्र, चाहे वह गोदान का होरी हो या सेवा सदन की वेश्या का चरित्र, अंत अंत तक सामाजिक कुरीतियों से लड़ता पाठकों के जीवन में उथल पुथल मचा ही देता है। सोजे वतन, देश प्रेम और अंग्रेजों के खिलाफ लिखी पुस्तक, अंग्रेजों की हत्या जरूर चढ़ गई, मगर प्रेमचंद ने भारत छोड़ो आंदोलन के
आंदोलन में कूद कर अपनी कथनी और करनी को एक कर दिया था। उनकी कहानियों में न केवल पुरुष पात्र मर्यादित परिवेश में उभरते हैं अपितु नारी विमर्श को भी बिल्कुल जीवंत करता है, जहां सिरचन बड़े घर की बेटी का पात्र चटोर लालची होते हुए भी स्वाभिमानी है, तो वहीं सेवा सदन की वेश्या अपना चरित्र समाज में एक दर्पण की तरह रखती है। उनकी कहानियों में पंच परमेश्वर, हामिद का चिमटा, दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, विद्रोह, आधार, आनंद, पूस की रात, बड़े भाई साहब, कफन, बूढ़ी काकी, ईदगाह इत्यादि तो पाठकों के हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ ही जाती है। इसके अतिरिक्त उनके उपन्यासकार की अगर रुख करें तो हम गोदान उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति को कभी भी भूल नहीं सकते। इनकी विचारधारा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी विचारधारा से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की पूर्णता को प्राप्त करती है। इनके प्रत्येक पात्र में नायक या नायिका परंपरावादी पूंजीवादी समाज से जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। पूंजीवाद के चक्र में फंसा किसान होड़ी का मार्मिक अंत इस बात का गवाह है कि प्रेमचंद आदर्शवाद से समाजवाद की ओर उन्मुख हो चुके थे। उनकी आंखों में नई भारत की तस्वीर झलकने लगी थी। यही नहीं, नारी विमर्श, प्रेम त्रिकोण, उत्पीड़न, आशा निराशा, नारी अस्मिता, शोषण, दमन, भ्रष्टाचार, धार्मिक कुरूतियां, राजनीतिक कुरूतियां, सामाजिक कुरूतियां, सभी पर एक कठोर प्रहार करती हुई दिखाई देती है इनकी लेखनी। और यही उनका जीवंत चित्रण ही उनको एक महानतम साहित्यकार के रूप में लाकर खड़ा कर देता है। उनकी अनुपम कृति गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गर्भभूमि, प्रेमा इत्यादि के सारे उपन्यास हमारे साहित्य जगत में स्वयं में एक अनमोल धरोहर है। साहित्य को समर्पित प्रेमचंद एक असीम शख्सियत के मालिक भी थे। खून की कह करते करते उनकी पत्रिका हंस, जो उन्होंने कभी बंद नहीं होने दिया, ऐसा एक सच्चा सिपाही भले बॉर्डर पर न उतरा हो अपितु अपनी कलम को धार बनाकर, अपनी कलम को तलवार बनाकर अंततः 8 अक्टूबर 1936 को स्वराज का स्वप्न आंखों में लिए इस भारत की देह भूमि से कूच ही कर गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने आपके मंच पर अपने विचार रखे इस प्रेमचंद जयंती पर। एक महान कलाकार को, एक महान लेखनी को, एक महान लेखक को मेरा कोटिशा प्रणाम, धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं संतोष श्रीवास्तव, जैसा कि आप सब जानते हैं आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ और आज उनके जन्मदिन पर उन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक कहानी पूस की एक रात को अपनी पंक्तियों में सुनाकर उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ और अपनी होने वाली सभी त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी पंक्तियों का शीर्षक भी है, मेरी कविता का शीर्षक पूस की रात। बड़ा ही भारी था हल्कू के लिए वो पूस की रात काटना, बड़ा ही भारी था हल्कू के लिए वो पूस की रात काटना, ठंड में घुटनों को सुकेड़ कर वो पेट में दबाना, बड़ा ही भारी था हल्कू के लिए वो पूस की रात काटना। कब कपाती ठंड में कंबल के लिए जोड़े गए वो 3 रुपये, कब कपाती ठंड में कंबल के लिए जोड़े गए वो 3 रुपये, सहना द्वारा ले जाना, बड़ा ही भारी था हल्कू के लिए वो पूस की रात काटना। ओक के पत्तों की छतरी के नीचे, ओक के पत्तों की छतरी के नीचे हल्कू का वो पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़ना और ठंड में कांपते जबरा को वो करुणा से सहलाना, बड़ा ही भारी था हल्कू के लिए वो पूस की रात काटना। 8 पी चुके हल्कू का वो कपकपाते हाथों से एक और चिलम सुलगाना, नंगे पैरों से चलकर ठिठुरते हाथों से, नंगे पैरों से चलकर ठिठुरते हाथों से वो सूखी पत्तियों को बटोरना और फिर थोड़ी देर में अलाव का जल जाना, बड़ा ही भारी था हल्कू के लिए पूस की रात का वो काटना। मुन्नी का वो आंखें तरेर कर देखना हल्कू का वो उदास हो जाना, जबरा की लाख कोशिशों के बाद भी फसल का सत्य नाश हो जाना, बड़ा ही भारी था हल्कू के लिए वो पूस की रात काटना। सवेरे फसल देखकर मुन्नी का वो बेचैन हो जाना,
और उसके मन को मन। नमस्कार, मैं सुषमा दीक्षित शुक्ला लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज CFM संस्था द्वारा महिला साहित्यिक सम्मेलन में महान साहित्यकार, महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी की पावन जयंती पर मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करती हूँ। उन जैसे महान लेखक के बारे में जो भी कहा जाए कम है। मुंशी प्रेमचंद तो साहित्य का एक पूरा पूरा युग थे। मुंशी जी का बचपन बहुत ही गरीबी में और काफ़ी विकट परिस्थितियों में गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी साहित्यिक अभिरुचि में कमी ना आने दी। वो महान विचारक थे, एक अच्छे नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तो थे ही, लेकिन उन जैसा पारदर्शी सूक्ष्मता और गहराई से लिखने वाला लेखक अब तक शायद बहुत कम ही हुए हैं। उनका उपन्यास गबन और गोदान उपन्यास के युग में एक अमर कथा है, एक अमर उपन्यास है। मैं मुंशी जी की साहित्य से बहुत प्रभावित हूँ। प्रेमचंद जी को ग्रामीण जीवन बहुत पसंद था। उन्होंने अपने साहित्य में हमेशा सामाजिक, पारिवारिक तमाम मुद्दों पर लिखा और पूरी पारदर्शिता के साथ हर सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु को अपने सुंदर साहित्य से अलंकृत किया। ऐसी ही मुंशी जी की एक कहानी मंत्र है जो मैंने हाई स्कूल में पढ़ी थी, उसने मेरी रूह को छुआ है। वो कहानी इंसानियत की मिसाल पेश करती है। एक गरीब लाचार बुजुर्ग पिता और एक अभिमानी डॉक्टर की कहानी है, जिसमें डॉक्टर अपने इंजॉय, अपनी खुशी के आगे अपना फर्ज भूल जाता है, मगर एक गरीब लाचार आदमी इंसानियत नहीं भूलता। गरीब भगत का बेटा, इकलौता बेटा, बीमार था और उसने बड़ी मुश्किल से फीस जुटाकर डॉक्टर चड्ढा को दिखाने की हिम्मत की, उनके क्लिनिक पर पहुंचा, लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब के गोल्फ खेलने का टाइम था तो वो अपना फर्ज भूल गए और उन्होंने उस बच्चे को नहीं देखा। नतीजा ये हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। बेचारा गरीब लाचार भगत अपने पुत्र शोक में डूब कर रह गया। क्या करता, नियति के हाथों कौन जीता है भला। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त पलटी मारता है। उसके लिए अमीर गरीब सब बराबर है। कुछ सालों के बाद
डॉक्टर। इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और रीमा मिश्रा जी का खास तौर से विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को इस तरह सफल बनाया। इसीलिए मेरा एक गीत प्रस्तुत है आप सभी सदस्यों के लिए, जिनकी तरफ से, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो सका। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह मन है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। और CFM की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ आगे भी इसी तरह से CFM हम जैसी लेखिकाओं को आगे बढ़ाता रहे। थैंक यू। आप सभी लेखिकाओं को बहुत बहुत बधाई एवं सहृदय धन्यवाद कि आप सबने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर हमारे आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आशा करती हूँ कि CFM द्वारा भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों में आप सबका स्नेह और सहयोग यूं ही मिलता रहेगा। मैं अपने वक्तव्य को अंत करते हुए साहित्य से जुड़े समस्त लोगों के लिए चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी कि वहां रहते नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं, वहां रहते नहीं हैं हम जहां जयचंद बसते हैं, हमारी दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं, हमारी दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं। अरे कोई साहित्य के मार्ग से हमें भटकाएगा कैसे, साहित्य के मार्ग से हमें कोई भटकाएगा कैसे, हृदय में हमारे मुंशी प्रेमचंद बसते हैं। जी हाँ, हृदय में हमारे मुंशी प्रेमचंद बसते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।